हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन चल रही है क्लास एलेवेंथ की क्लासेस जिसमें हम फिज़िक्स के सक्सेसफुल सैम्पल पेपर कराने के बाद अब हम मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर करा रहे हैं और आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि आप जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से सीख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं तो ये एक मॉडल पेपर सह लीजिए सैम्पल पेपर कह लीजिए आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर आपके सामने है चलिए पहले पेपर से स्टार्ट करते हैं वन बाई वन और सल्यूशन आपको दिखाते जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है राइट सेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वन बाई टू टू एलेवन बाई टू इन टेबुलर फॉर्म कह लो यह रोस्टर फॉर्म कह लो फिलहाल ये जो दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है बेटा बनेगा आपसे हाँ चलिए करी जल्दी से आंसर नहीं बताइए इसका एक सेकंड सर हाँ बिल्कुल फॉर्म क्या था सर टैबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म लिस्ट फॉर्म अच्छा, अच्छा 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 सिंपल इसको खोल करके लिख दो जो इसके आंसर हों वही बन जाएगा आपका टैबुलर फॉर्म चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला वन टू थ्री फोर फाइव देखिए क्या ऐसा किया आपने यही तो वन से लेकर के फाइव तक की वैल्यू की करेक्ट आंसर आएगा तो बिल्कुल सही है आपका जवाब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर इफ़ जेड इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री आयोटा देन द वैल्यू ऑफ जेड जेड बार क्या होगा बताइए ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है ये देखिए जेड हमारे पास टू प्लस थ्री आई है जेड बार कर देंगे तो टू माइनस थ्री आईओटा और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर टू आयोटा प्लस थ्री आईओटा और टू आयोटा माइनस थ्री आई तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा फोर टू प्लस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और आयोटा स्क्वायर तो फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो फोर प्लस नाइन इक्वल्स टू इसका आंसर आएगा थर्टीन तो जेड जेड बार इक्वल्स टू कितना होता है थर्टीन होता है एक तरीका और मैंने आपको बताया था ये डायरेक्टली कि जेड इन टू जेड बार जो डायरेक्टली होता है वो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली तो यहाँ पे क्या दो क्वेश्चन दिया गया है वो जो क्वेश्चन है टू प्लस थ्री आई है ना ओह रूट थ्री आई है तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर थ्री आयोटा के हिसाब से कर दिया है तो इसका आंसर जो है गलत आएगा गलत दिया है यहाँ पे अगर मैं रूट थ्री करता हूँ तो ये रूट थ्री रूट नाइन बन जाएगा तो फोर प्लस थ्री आंसर इसका सेवन बनेगा ओके और इस डायरेक्टली फार्मूले से टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर तो यहाँ भी फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन बन जाएगा बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है हाँ सर बस गलती क्या हुई है रूट थ्री की जगह उसने थ्री ले लिया है बट वन नहीं होगा आंसर जो आपने बताया क्लियर Seven seven. हाँ सेवन ही आंसर होगा क्लियर हुआ सर हम इसमें inverse ले, inverse भी ले सकते ना? क्यों ले लेंगे आपको करना क्या है आपको टू प्लस रूट थ्री आउट है ये तो अगला क्वेश्चन है ना ये तो दूसरा क्वेश्चन है और और के बाद है ये अच्छा जी क्लियर हुआ हाँ सर चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन है फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए देखिए वेन डाइग्राम से तो ये बहुत ईजिली क्लियर दिख रहा है कि ए माइनस बी क्या होता है ये होता है बेटा ए माइनस बीट जो होता कि नहीं होता आसे. मतलब ये पार्ट जो ए में हाँ. जो जिसमें एलिमेंट ए में, में हो और बी में ना हो तो क्लियर और ए माइनस बी के साथ कह रहा है कि यूनियन करना मतलब मिलाना है किसको ए इंटरसेक्शन बी को मतलब ये वाले पार्ट को मिलाना है तो डेफिनेटली क्या निकलने वाला है सेट ए निकल तो बट हमको इसको प्रूफ करना है तो आइए कैसे प्रूफ करते हैं ये देखिए ये इसका प्रूफ दिया है तो वी हैव टू प्रूव ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू ए तो सबसे पहले लेफ्ट वाले सेट में एलिमेंट एक्स मान लिया करो जो आपको प्रूफ करना है ठीक है सर तो लेट वी हैव सम एलिमेंट एक्स जो कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में बैठा है तो श्योर अगर अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी या इसको समझ लो दिस यूनियन दिस में बैठा हुआ है मतलब या तो एलिमेंट इसमें होगा अदरवाइज हो इस होगा क्लियर दिस द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी क्लियर ए माइनस बी के अंदर बिलोंग करना मतलब ए के अंदर होगा एंड बी के अंदर नहीं होगा एंड लगाना मत भूले क्लियर हाँ सर ये समझ गया सर और बीच में और लगा है और इंटरसेक्शन भी मतलब ए के अंदर होगा ए में भी होगा और, बी के, के अंदर भी होगा क्लियर हाँ सर तो इस सब को देख करके एक सिचुएशन तो क्लियर हो गई कि एक्स ए के अंदर तो है क्योंकि क्या कह रहा है एक्स बी के, के, के अंदर A ना A हो और एक्स बी के अंदर हो दो चीजें कह रहा है है ना यस सर देखो बट दोनों में एक स्टेटमेंट है एक्स ए के अंदर हो और इधर भी ए के अंदर हो तो ये तो पॉजिटिव है दोनों स्टेटमेंट कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ए का बोले सोनो हाँ बट इधर क्या कह रहा है बी के अंदर नहीं हो और बी के अंदर हो क्लियर यस सर तो इन दोनों को देख करके हमें समझ में आ गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्लियर हाँ सर मतलब ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी जो होंगे जो भी एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर के होंगे क्लियर यस सर सो व्हाट कैन आई राइट मैं लिख सकता हूं कि ए माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन भी जो होगा वो सेट ए का सबसेट होगा क्योंकि जो एलिमेंट आए हैं वो ए के अंदर के हैं हाँ है ना हाँ सर तो इट इज द सबसेट ऑफ ए क्लियर कि नॉट क्लियर अच्छा सर समझ में आया कि नहीं है हाँ हाँ चलिए अब दूसरी तरफ से लेते हैं लेट सो so, ये हो गया सबसेट ए अब मान लेते हैं इधर से लेट एक्स बिलोंग्स टू ए अगर एक्स ए का एलिमेंट है क्लियर हाँ सर तो अगर x a का एलिमेंट है देयर फोर ए में से कुछ भी माइनस कर दोगे तो x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस बी एंड x इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये नो। हाँ सर क्लियर हुई बात यस yes, सर अगर x a के अंदर बैठा है कोई एलिमेंट a के अंदर बैठा हुआ है तो a माइनस बी के अंदर भी वो होगा बोलो हाँ क्योंकि a का एलिमेंट है और a इंटरसेक्शन b के अंदर भी होगा यह सोनू क्योंकि ए के अंदर ही ए माइनस बी आता है और ए के अंदर इंटरसेक्शन भी आता है क्लियर सो द एलिमेंट बिलोंग्स टू एक्स माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और को बेटर डिजॉल्व करके मैंने यूनियन लिख दिया लिख दिया तो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्लियर हाँ एनी प्रॉब्लम नो सर तो जो ए के अंदर है ए के अंदर है वो इनके अंदर है क्लियर सर तो मतलब जो ए के अंदर है वो इनके अंदर है मतलब जो ए के अंदर है वो नेसेसरली इनके अंदर होगा मतलब ए इस वाले का सबसेट हो जाएगा क्लियर के नॉट क्लियर नहीं आया समझ में आया uh, सर yes, uh, और मैंने एक रूल पढ़ाया था कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी क्लियर के नॉट क्लियर अच्छा, ये हाँ रूल होता है।, है तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे यहाँ पे इधर से देखो ये इसका सबसेट है और इसका उल्टा भी लिखा हुआ है कि ए इज द सबसेट ऑफ दिस ये सो तो यही कंडीशन हो गई दोनों तरफ से सबसेट हाँ वाली हाँ। और ये कब होगा जब दोनों सेट क्या होंगे इक्वल होंगे इक्वल होंगे क्लियर कि नॉट क्लियर हाँ तो आप कुछ भी लिखोगे तो इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे डन हाँ चलिए अब इसको मेरे को पूरा लिख के आप भेजिए एक बार अच्छे से बना के ठीक है ठीक सर हाँ इसको भेजिए पहले फिर अगला क्वेश्चन करेंगे और फिर कोई डाउट है तो फिर मुझे है मुझे से मुझ पूछिए मुझसे चलिए देखिए अगला जो सवाल है वो है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर तो इसको सबसे पहले हम वाई ले, ले लेते हैं तो वाई इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है शोर तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर अब हम जानते हैं कि फॉर डिफाइंड एक सेकेंड ओके तो जानते हैं क्या रूल होता है बेटा देखिए इसके हम लिख लिखते हैं फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ वाई तो वाई की डिफाइंड वैल्यू के लिए ये न्यूमरेटर के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल क्लियर तो सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो क्लियर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सिक्सटीन सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू फोर का स्क्वायर श्योर sure, याद होगा आपको मैंने जिस दिन इन्हें पढ़ाई थी

इसके लिए इनिक्वालिटी ये वाली लगेगी ये इनक्वालिटी में ये नहीं होता है कि आप यहाँ से स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो वो उधर प्लस माइनस चला जाएगा लेस देन और इक्वल टू लेकिन सर उस लॉजिक से सोचे तो सेम तो आंसर आ रहा है क्योंकि एक्स अगर प्लस माइनस फोर तो हाँ तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और तो एक्सेस बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए इसी को हम लिखते हैं एक्सेस बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए क्लियर दैट इज एक्स बिलोंग्स टू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज बिटवीन माइनस फोर टू प्लस फोर क्लियर बस सीधा डायरेक्ट लिखा है हाँ दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर टू प्लस फोर ठीक है देखिए तो रेंज निकालने का ये मेथड है एक बार फिर से बता देता हूँ डोमेन आपने देख लिया डोमेन में आपका माइनस फोर टू प्लस फोर आ चुका है रेंज के लिए y इक्वल्स टू अंडर रूड सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर वाई का साइन खुद में पॉजिटिव है क्योंकि कोई साइन नहीं लगा मतलब पॉजिटिव है तो वी नो दैट इज बिटवीन माइनस फोर टू प्लस फोर सो एक्स स्क्वायर लाइन बिटवीन जीरो टू सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस साइन का मल्टीप्लाई तो इन्हें क्वालिटी चेंज हो जाएगी सिक्सटीन की जगह माइनस सिक्सटीन एक्स जो था लेसर था वो ग्रेटर हो जाएगा और जीरो के लिए ग्रेटर था तो लेसर हो जाएगा क्लियर यस सर अब यहाँ इसके बाद हमको क्योंकि फंक्शन के अंदर सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर सिक्सटी एड कर दिया तो माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन लेस देन जीरो प्लस सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर इज मूविंग फ्रॉम जीरो टू सिक्सटीन स्क्वायर रूट ले लिया तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो और सिक्सटीन का फोर और पॉजिटिव साइन है तो जीरो से लेके फोर वेरी करेगा क्लियर यस सर एक और मेथड है वाई इक्वल्स टू अंडरवुड सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर हमको ये देखना है कि एक्स की वैल्यूज के लिए वो कितना वेरी करेगा तो मैं वाई स्क्वायर करता हूँ तो सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर क्लियर वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर ये मेरे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर

माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएगा माइनस सिक्सटीन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सिक्सटीन वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर का स्क्वायर क्लियर हाँ सर इसको मैंने बताया था आपको अभी बताया कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होता है इसका मतलब एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए दिस इम्प्लाइज वाई इज बिटवीन माइनस फोर टू प्लस फोर और नो बट हाँ। इसमें एक केस है वाई आपको पॉजिटिव दिया गया है तो लिखेंगे बट वाई इज गिवन हेयर ग्रेटर देन जीरो बोलो ये सोनो हाँ तो वाई हमको ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दिया गया है क्योंकि अब एक्चुअली डिनोमिनेटर में होता तो ऑनली ग्रेटर लेते बट अभी न्यूमरेटर में है तो जीरो हो सकता है तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो सो अब देखो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा था वाई का माइनस फोर से लेके प्लस फोर जा रहा था सर ये बीच में जीरो है क्लियर की नॉट क्लियर सर बट क्वेश्चन ने इन इक्वालिटी थोप रखी है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए मतलब निगेटिव साइड का नहीं हो सकता तो केवल यहाँ से यहाँ तक का वेरी करेगा कि नहीं करेगा सर सो so, लिखेंगे सो वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू फोर नोट कर लें ठीक है बेटा बताइए क्या होगा फार्मूला एक फार्मूला मैंने आप लोग को बोला था याद कर लीजिए कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इसकी वैल्यू याद है आपको हेलो करके देख सकता हूँ तो करना नहीं, नहीं, है। नहीं है याद नहीं है याद नहीं है चलिए इसकी वैल्यू याद कर लीजिए ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये सीधी सीधी एक फॉर्मूला है आता है